नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब का फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। इस घटना से मेलनगुरी ब्लॉक के रामसाई ग्राम पंचायत क्षेत्र में काफी उत्तेजना फैल गई है। मालूम हो कि शुक्रवार को दोपहर के करीब जलपाईगुड़ी मुख्यालय उत्पाद विभाग को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया। उन्होंने रामसाई ग्राम पंचायत के काजल दिघी इलाके में एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। शराब बनाने के उत्पाद भी बरामद किए गए। इस दिन उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने शराब बनाने के उत्पाद समेत भारी मात्रा में शराब जब्त कर ली। हालांकि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया कि कितने बोतल की शराब बरामदगी हुई है। एक व्यक्ति का लटका हुआ शव बरामद किया गया। घटना शुक्रवार को फुलबारी नंबर 2 ग्राम पंचायत के जटिया काली से सटी इलाके में हुई। मृतक का नाम अफीजार हुसैन 40 वर्षीय है। पता चला है कि अफीजार सुबह से ही घर पर ही थे, तभी दोपहर में शख्स की बेटी घर में घुसा और उसका लटका हुआ शव बरामद किया। इसके बाद एनजीपी थाने की पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वो किसी पारिवारिक मामले को लेकर मानसिक अवसाद से पीड़ित थे। एनजीपी थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। बिहार पुलिस पर बंगाल में घुसकर फायरिंग का आरोप, एक व्यक्ति घायल। बिहार से बंगाल में घुसकर फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया है कि इस घटना में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है। घटनास्थल बिहार के किशनगंज के पास उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाने के बिलाटी बाड़ी इलाके की है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की एक टीम कार चोरी के आरोप में इलाके में घुसी थी। आरोप है कि जब पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे अपने साथ ले जा रही थी, तभी स्थानीय लोग बिहार पुलिस से उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जब ग्रामीणों की एक समूह ने उनका पीछा किया तो बिहार पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग का वीडियो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस्लामपुर पुलिस जिले के अधिकारियों ने बताया कि हालांकि चाकुलिया पुलिस स्टेशन ने बंगाल पुलिस को सूचित किए बिना आया था। चाकुलिया ने विधायक ने घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से कारतूस के खोल बरामद किए गए और जांच जारी है। चोरी की घटना से हड़कंप। सिलीगुड़ी के निकट रांगा पानी के दुधुजोत में चोरी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रांगा पानी चौकी पुलिस मौके पर पहुँच कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। एक युवक ने गले पर धारदार हथियार से वार करने का आरोप पड़ोसी युवक पर लगाया है। घटना शुक्रवार रात रायगंज के लक्ष्मणिया इलाके में हुई। घायल युवक का नाम रामचंद्र महता 27 वर्षीय है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल रामचंद्र को रायगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रामचंद्र महोते ने घटना में आरोपी का नाम संदीप महोते बताया है। रामचंद्र ने बताया कि संदीप महोते मेरे बड़े भाई के बारे में गंदी बात करने के साथ ही गाली गलौज कर रहा था। जैसे ही मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे पर अचानक हमला कर दिया गया। संदीप ने मेरे गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। रामचंद्रा के बड़े भाई गणेश पॉल ने बताया कि वो घर पर नहीं थे। अचानक उसे अपने भाई की इस घटना के बारे में पता चला, लेकिन उसे नहीं पता कि संदीप ने मेरे भाई को चाकू क्यों मारा। उन्होंने कहा कि उनका संदीप के साथ कोई विवाद नहीं था। उनके भाई एक सक्रिय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता है। ये हमला किसी राजनीति मकसद से किया गया है या नहीं, इस बारे में गणेश बाबू कुछ नहीं बता सके। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स। सच्चाई का आईना।